दो दिवसीय प्रवास पर जबलपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने जिले की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्री भार्गव ने बताया कि बतौर प्रभारी मंत्री है उनकी पहली बैठक थी, जिसमें जिले के तमाम मसलों को उन्होंने प्रतिनिधियों के माध्यम से सुना। फिलहाल इस बैठक के दौरान कई प्रमुख सड़कों के निर्माण कार्यों को अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही यह व्यवस्था बनाई गई है कि तमाम जिले के जनप्रतिनिधि अपनी समस्याओं को लिखित रूप में उन्हें देंगे, जिसके निराकरण को शासन स्तर पर जल्द से जल्द कराया जाएगा। संगठनों से ही मुलाकात हुई है और व्यक्तिगत जिनकी समस्याएं हैं उनसे भी चर्चा हुई और उनके ज्ञापन और उनके जो भी ग्रीवियंस थे, जो भी उनकी शिकायतें थी, उनके बारे में कल और आज में जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम के अनुसार आज जबलपुर जिले के विकास और अन्य योजनाओं के बारे में चर्चा जो कि प्रतीक्षित थी, वह चर्चा भी बड़ी व्यापक हुई। इसके अतिरिक्त कोविड की तीसरी वेव के बारे में भी, जैसे कि संभावना व्यक्त की जा रही है, तो क्या तैयारी हमारे जबलपुर ज़िले की है, इसके बारे में भी सभी अधिकारियों के साथ में, प्रशासनिक अधिकारी भी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और भी संबंधित अधिकारी जो भी हैं, सभी के साथ में चर्चा हुई। हमारे जनप्रतिनिधि भी, हमारे विधायक साथी भी, हमारे संगठन के पदाधिकारी भी, सभी लोग इस चर्चा में शामिल रहे।